तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आया हूँ सुबह सुबह खेत में। तो आए तो मुझे एक घंटा हो चुका है क्योंकि मैंने काम भी कर लिया। तो व्लॉग स्टार्ट अब कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं मैंने क्या काम किया है और इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज धुंध देख सकते हो कितनी पड़ी हुई है खेड़े खुर्द में। ठंड भी बहुत ज़्यादा है। अब तो वह खैर कम हो चुके क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 9:30 और मैं आया था तकरीबन 9 बजे ही खेत में आया था। आधा घंटा हो चुका है और अभी हम लगा रहे हैं प्याज जो कि हमारे ताऊ के खेत में लगा रहे हैं क्योंकि मेरे ताऊ बीमार है, इस वजह से हमें लगानी पड़ रही है, नहीं तो ख़राब होगी और ज़्यादा बड़ी होगी प्याज। लगा सब प्याज की बहुत लगा रखी है और उधर और लगा रहे हैं। उनमें मेरी दो बुआ है और मजदूर है और अभी आके हमने उधर डोली बनाई जिससे और प्याज लगाने के लिए जगह बने। और अभी आ चुका हूँ मैं प्याज उखाड़ने के लिए। ये देख सकते हो ये प्याज उखाड़ रहे हैं। यहाँ देखो ये प्याज की पौध है और वहाँ पे लगाई जा रही है। देख तो कैसे निकाली जा रही है एक एक करके पौध। इसमें कबाड़ भी होता है और पौध कबाड़ फेंक दिया जाता है, पौध को रख लिया जाता है ऐसे ही। फिर इसको यहाँ से ले जाके वहाँ पे लगाया जाता है। तो अब मैं भी पौध उखाड़ूंगा। बात कर लो घंटे की वीडियो बनने लग गई है। लगा जा रही प्याज प्याज घंटे लगा। तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं अपने प्योद वाले क्यारे में जहाँ पे हमने प्योद लगा रखी है। ये देख सकते हो ये लगा रखा हमने हरा धनिया, पालक और ये ब्रोकली गोभी की प्योद और ये टमाटर। टमाटर जो कि इन सारे टमाटरों में से सारे में टमाटर है, इन सभी टमाटरों में से एक टमाटर पकाए भी है वो ये रहा टमाटर है। थोड़ा सा और लाल हो जाएगा अभी एक दो दिन में। देख सकते हो कितने टमाटर लगे हैं। तो अभी बज चुके हैं 10:30 और 11:30 बजे से हम घर जाएंगे और फिर वहाँ से मुझे ट्यूशन जाना है। और आज मेरा भाई जाएगा अहमदाबाद किसी काम के सिलसिले में, तो 3-4 दिन बाद आएगा। तो उसकी भी कुछ पैकिंग वगैरह करवानी है, कपड़े वगैरह। तो अभी मेरी बुआ पौध लेके जा रही है और इसको ऊपर से काट रही है क्योंकि ये बहुत बड़ी हो चुकी है और ये काट काट के लगाई जाएगी। इसमें रख रही है मेरी बुआ पौध काट काट के। तो गाइस अभी बच चुके हैं 11 और अभी चलते हैं घर क्योंकि मुझे जाना है ट्यूशन और मेरा भाई नहाएगा और मेरे भाई को छोड़ के आएगा। छोड़ के तो क्या, बस उसकी पैकिंग वगैरह में हेल्प कर देगा। और इसके साथ अभी चलते हैं घर। तो इधर आ गया और बाइक की चाबी लेके ही नहीं आया, दोबारा जा रहा है बाइक की चाबी लेने। पिछले साल इसी दिन हमारे खेत में चोरी हुई थी ब्रोकली गोभी की प्योद की, उसमें उसके अंदर प्योद लगा रखी थी और पीछे से ही चुरा के भाग गए। तो भाई अभी आ चुका हूँ घर और ये देख सकते हो इसके पैकिंग के लिए सामान बैग वगैरह निकाले जा रहे हैं बेड में से। ये जाएगा आज अहमदाबाद। क्या दिन हुआ, 3 दिन में 3 दिन बाद आएगा ये। तो अभी दादी ने मंगाया पानी ना, आज लग जाऊंगे। आज मेरी दादी एक साइड से ऐसे लगता है जैसे वो स्त्री मूवी में वो लड़की नहीं है, स्त्री मूवी की जैसी लड़की। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसको छोड़ के, ये चले जाएगा थोड़ी देर में। लास्ट बार बाय बाय, लास्ट नहीं अभी 3 दिन के लिए बाय।
आज वो लोग बना पड़े तो गाइस अभी आ चुका मैं कंप्यूटर क्लास से घर और अभी चाय बना के चाय लेके जाने खेत में क्योंकि खेत में लगे होंगे दूर तो गाइस अभी बना रहा हूँ मैं चाय चाय छानने के बाद इसमें डालके फिर खेत में चले जाएंगे। तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं खेत में और खेत में आने के बाद अभी ब्रोकली को भी काटनी है जो कि ज़्यादा नहीं बस 3 या 4 पन्नी पाएगी अभी काटने चलते हैं। वैसे थोड़ा टाइम लगेगा काटने में पर उससे पहले देखते हैं क्या कर रहे अभी वे। मैं तो अभी खेत में आई हूँ तो भी देख सकते हो मैं आ चुका हूँ जहाँ पे प्योर बो रखी है वहाँ। यहाँ पे मेरी मम्मी और मेरा भाई अभी तक प्योर दी सफ़ा कर रहे हैं सुबह से अब तक। मम्मी तो खैर दोपहर के बाद आई है ये सुबह से लगा हुआ है, ये पहले सुबह यहाँ बैठा था और अब यहाँ आ गया। बस इतनी सी प्योद पाड़ने में इसने सारा टाइम लगा दिया, इसको दिहाड़ी नहीं मिलेगी। तो मुझे अभी एक काम दिया गया है क्यारा बनाने का, तो चलते हैं क्यारा बनाते हैं। मेरे पापा ने मुझे काम बता दिया तो ये प्योद उखाड़ लेंगे। लगे हुए बेर जो कि वे पके नहीं है बिल्कुल भी। तो भी मुझे ये क्यारा बनाना है, इसके जो लाइन लाइन से है ये भरनी है मुझे, एक सार करना है। तो चलिए करते हैं। तो वैसे जो काम मुझे अभी बताया गया था वो तो मैंने कर दिया पूरा। तो प्योद सारी उखड़ चुकी है, चला ब्रोकली काटन, चलते हैं ब्रोकली काटने। तो अभी आ चुके हम ब्रोकली काटने, ये उठा लिया चक्कू और ये गोभी काटनी है तो यहाँ बिछा दिया, इस पर काट काट के डालेंगे। तो अभी इतनी गोभी काट दी और एक क्यारा कटा है, अभी 2 क्यारे रह रहे हैं उसे भी जल्दी से काट देते हैं। तो अभी 2 कैरे कट चुके हैं और ये लास्ट कैरा रह रहा है और इतनी गोभी निकल गई अभी, और इतनी और इतनी नहीं मतलब इससे कम और मिलेगी वो भी इसमें डाल के फिर भरना शुरू करेंगे। और भर के वहाँ वो चैंपियन खड़ा है, वो देख सकते हो ये वाला चैंपियन, वहाँ पे निकालनी है सिर पे रख के, सिर का कचुम्बर बन जाएगा। तो भी गोभी सारी कट चुकी है, बस इसको भरे रहना है। और थोड़ी सी अभी भूख लगी थी तो मेरा भाई ये चिप्स और ये नमकीन वगैरह लेके आया जो कि अब खाएंगे। तो भी गोभी पैक हो चुकी है, 2 ये हैं और बाकी वहाँ पहुँचा दी। अभी ये भी बाहर जाएंगे फिर मैं घर की तरफ रवाना होंगे। बांध तो कर दूंगा मैं। टूट गई भाई टूट गई, अब ये रस्सी खुल गई यहाँ से, बच गया, अभी इसका मुंह टूट जाता नहीं तो। तो इस बोझ को बांधने के लिए 3 बार ट्राई कर लिया और 3 बार रस्सी टूट मतलब खुल जा रही है बार बार, कभी कोई सी कभी कोई सी, इस बार देखते हैं बंधेगा या खुलेगी।
क्योंकि इसमें वजन भी तो बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन 50-55 किलो वजन होता है इसमें। किसने भरायो? किसने भरायो? देख सकते हो अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और यहाँ धुंध होनी स्टार्ट हो चुकी है, सारे में धुंध हो गई है, देखो सारे में। तो भी जा रहे हैं घर, तो भी आए हैं टूवेल पे दोबारा, ये सामान रखना है ताला खोल के, फिर सामान रख के फिर घर जाएंगे। तो अभी सुबह की बची हुई रोटी अब कुत्तों को खिलाएंगे। तो यहाँ मेरी मम्मी सुबह के लिए थोड़ा सा धनिया ले रही है सुबह सब्जी में डालने के लिए, तो सुबह मेरी मम्मी गुलाब की सब्जी बनाएगी हरा धनिया घेर के। क्रिसमस पूजेगी, कल का बड़ा दिन है वो पूजेगी। सुतरीन लग गए दोनों चीज बीच में, ठीक लग रही है। सो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि शाम के टाइम कुछ इंटरेस्टिंग हुआ नहीं लाइफ में, और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।